नमस्कार इंजीनियर्स, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज एंटरटेन में। आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे पीओपी वर्क। पीओपी वर्क करने का जो प्रोसीजर क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, उसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीओपी और जिप्सम में डिफरेंस क्या है और इसकी कंजप्शन कितनी है। इंजीनियर्स, आपको अगर काम कराना है कहीं तो आपको इसका कंजप्शन, इसका प्रोसीजर्स, कौन सी कंपनी का मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं और वॉल पैनलिंग में थिकनेस वगैरह, ये सब चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए टाइम को वेस्टेज ना करते हुए हम आपके साथ में चालू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक पीओपी। पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीओपी की फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अक्सर कर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेसिक डिफरेंस इंजीनियर्स क्या होता है, देखो पूछा जाता है कि पीओपी और जिप्सम में डिफरेंस क्या है। दोनों वॉल पैनलिंग में ही यूज होते हैं और दोनों कंस्ट्रक्शन साइट के ही मटेरियल हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इंजीनियर्स, हमको ये पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, जब पीओपी होता है, इसका जो फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, इसको हम हीट करते हैं कितनी डिग्री पे? 1100 डिग्री सेल्सियस पर, जिसको कैल्सिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। और उसके बाद में ये जो हमारा पीओपी है, ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। जिस हीट करने के बाद में जो हमारा वाटर है वो 1.2H2O बच जाता है, 1/2H2O बच जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो पीओपी जिप्सम में डिफरेंस क्या है, तो दिस इज ए कॉमन डिफरेंस, नो डाउट। देन हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कंजप्शन। कंजप्शन क्या है, पर स्क्वायर मीटर में इसका कंजप्शन क्या आता है और इसका प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सा मटेरियल हम इसमें यूज करते हैं इसका। जैसे शीलिंग का फ्रेमिंग होगा तो फ्रेमिंग में कौन कौन सा चैनल हो गया, स्क्रू का डिस्टेंस वगैरह, एवरीथिंग डिस्कस, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और हम जो ब्रांड यूज करते हैं पीओपी का, वो उसका नाम क्या है, वो कौन कौन सी ब्रांड हम यूज करते हैं कंपनी में, मार्केट में कौन कौन सी हमारे पास में अवेलेबल है, और वाल पैनलिंग जो हम करते हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हो गया पीओपी की फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिप्सम में डिफरेंस, राइट। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कंजप्शन। तो ये हम आपके साथ में कंजप्शन इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंजप्शन, ये कंजप्शन हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। एक स्क्वायर मीटर में कितना पीओपी लगेगा, देखो, और थिकनेस कितनी है मेरी, थिकनेस कितनी है मेरी, 10 mm। तो मेरा जो मटेरियल है वो कितना लगेगा, बेसिक है, सारे इंजीनियर्स को पता होना चाहिए। अक्सर तो इंटरव्यू में तो पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इंटू में थिकनेस इंटू में डेंसिटी, राइट। एरिया कितना आ गया, 1 square meter। थिकनेस मेरे पास 10 mm है, 10 mm को मीटर में कन्वर्ट करूँगा, 1010 इंटू में डेंसिटी कितना होता है, 12121, ठीक है। ये मेरा आ गया कितना, जो भी मेरा कैलकुलेशन है, ये आ गया मेरा 1 square meter में। 1 square meter में मेरा कितना पीओपी, इधर करो 11.21 kg। इसमें 20% वेस्टेज हम पीओपी कर लेते हैं, ठीक है। 20% वेस्टेज हम इसमें पीओपी का लेंगे तो वो मेरा कितना जाएगा, 2.2 kg। इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 13.4 kg वेस्टेज। ये वेस्टेज है, वेस्टेज लेते हैं, वेस्टेज ऑफ पीओपी कितना है, 20%। इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पे आपका रेडी हो जाता है, 1 square meter में कितना पीओपी लगेगा, 14.4 kg विद वेस्टेज, ओके। तो तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो है प्रोसीजर, ठीक
ठीक है। चौथा पॉइंट क्या था मेरा, प्रोसीजर, इसको करने का तरीका क्या है, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है पीओपी करने का। देखो पहले मैं करता हूँ शिवलिंग का, ठीक है, शिवलिंग का, शिवलिंग का पीओपी करने से पहले क्या होना चाहिए, इससे करने से पहले एमईपी का जो वर्क है वो कंप्लीट होना चाहिए। एमईपी वर्क कंप्लीट, 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 ठीक है। उसके बाद में मेरा चालू हो जाता है फ्रेमिंग, 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 फ्रेमिंग। फ्रेमिंग का जो पहला पार्ट है वो है नंबर एक, पहले हम क्या करेंगे, लेवलिंग। जो मेरा ये रूम है, एग्जांपल करो ये रूम है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीलिंग से मैं लेवल ट्रांसफ़र कर लूँगा। कितना, मान लीजिए मैंने 200 mm लेवल ट्रांसफ़र चारों कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, ये इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे मैं लेवल ट्रांसफ़र कर लूँगा, ठीक है। नंबर एक क्या आएगा, LVL लेवल मार्किंग, लेवल मार्किंग, राइट, लेवल मार्किंग। उसके बाद में दूसरा नंबर, जब मेरा लेवल मार्किंग हो जाएगा उसके बाद में मैं क्या करूँगा, पैरामीटर चैनल को फिक्स कर दूँगा, पैरामीटर चैनल को फिक्स कर दूँगा, पैरामीटर चैनल को फिक्स कर दूँगा, राइट, पैरामीटर चैनल। अब पैरामीटर चैनल जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, पैरामीटर चैनल जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसा होता है। इसका साइज़ क्या होता है पैरामीटर का, देखो ये 30 mm होता है, सॉरी 30 mm होता है, और ये होता है मेरा 27 mm, और ये होता है मेरा 20 mm, 20 mm, ये पैरामीटर चैनल। पैरामीटर चैनल मेरा फिक्स होने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मैं एंकरिंग करूँगा, ठीक है। नंबर तीन पे क्या करूँगा, एंकरिंग, एंकरिंग, एंकरिंग क्या है, हिल्टी का फास्टनर यूज करते हैं। इसका जो सिंबल है वो क्या है, ये इस तरह आएगा, ठीक है, इस तरह ये मेरा सेक्शन बनता है, ये वाला सेक्शन बनता है। इंजीनियर इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये मैंने फास्टनर लगा दिया, तो ये जो मेरे पास में फास्टनर को किससे कनेक्टेड करते हैं उसका नाम है सोफिट क्लिप, सोफिट, सोफिट क्लिप, सोफिट क्लिप। और ये मेरा आ गया सीलिंग एंगल, सीलिंग एंगल, सीलिंग एंगल, सीलिंग एंगल, ठीक है। इंजीनियर एंकरिंग करने के बाद में तीसरे नंबर पे जो एंकरिंग कर रहा हूँ, एंकरिंग जब मैं करूँगा, एंकरिंग को सोफिट क्लिप से कनेक्टेड करूँगा, फिर उसके बाद में इसको मैं सोफिट क्लिप में क्या लगा दूँगा, सीलिंग सेक्शन लगा दूँगा, ठीक है। तीन पॉइंट हो गए। सीलिंग सेक्शन लगने के बाद में जब मेरे सीलिंग सेक्शन उसमें हैंग हो जाएंगे, फिर उसके बाद में मैं इसमें क्या करूँगा, इंटरमीडिएट चैनल का प्रोविज़न दूँगा, राइट, इंटरमीडिएट चैनल, ठीक है। नंबर चार पे क्या करूँगा, नोट करते लीजिए, इंटरमीडिएट चैनल, चार पे क्या लगाऊँगा, इंटरमीडिएट, इंटर, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट चैनल, इंटरमीडिएट चैनल। इंटरमीडिएट चैनल का जो साइज होता है इंजीनियर्स, वो क्या साइज होता है, देखो ये मेरा कुछ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ठीक है इंजीनियर्स। तो ये मेरा कितना इंटरमीडिएट चैनल, 45 mm। को साइज पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये आप नोट कर लीजिए, 15 mm, 15 mm, ये इंटरमीडिएट चैनल होगा। इंटरमीडिएट चैनल के बाद में मैं इस पे जो यूज करूँगा, नंबर चार हो गया, नंबर पाँच पे मैं क्या करूँगा, सीलिंग सेक्शन, ठीक है, सीलिंग सेक्शन, सीलिंग सेक्शन, सीलिंग सेक्शन चैनल लगाऊंगा, ठीक है। सीलिंग सेक्शन एक फिगर भी मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में कि कैसे हम इनको लगाएंगे, ये इंटरमीडिएट हो गया, ये सीलिंग सेक्शन हो गया, ये सब इजीली आपके समझ में आ जाएगा। और मैं आपको लास्ट में वो भी दिखाऊंगा कि देखो एक फ्रेमिंग ये होता है, ठीक है। तो सीलिंग सेक्शन होता है उसका साइज क्या होता है, इसका जो साइज होता है कुछ ऐसा होता है, राइट, देखो इंजीनियर्स ये सीलिंग सेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें इसका जो होता है ये 10.5 mm होता है, और यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा 26 mm हो गया,
26 mm और ये मेरा हो जाता है 51.5 mm। अच्छा ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो इसका डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है इसको लगाएंगे, इसका डिस्टेंस है कितनी दूरी पे लगता है, 475 mm पे, 475 mm पे इंजीनियर्स इसको हम यूज करते हैं 475 mm पे। तो ये थोड़ा नोट कर लीजिए, बेस्ट है आपके, उसमें आसानी भी आ रहा होगा। और उसके बाद में इंजीनियर्स हम इसको लेते हैं, स्क्रू कौन कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है, स्क्रू कौन कौन सा यूज़ करते हैं वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्क्रू, स्क्रू जो यूज करते हैं हम वो है कौन सी कंपनी का। फिर देखो ये हमने इसके बाद में, ये लगने के बाद में हम इस पर लगा देते हैं पीओपी जाली, ठीक है, पीओपी है, पीओपी जाली लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं। और जाली को जब हम लगाएंगे, ये मेरा पैरामीटर चैनल हो गया, उसके बाद में मेरा ये सीलिंग सेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये मेरा पैरामीटर चैनल हो गया, ये मेरा सीलिंग सेक्शन हो गया, राइट, ये मेरा सीलिंग सेक्शन हो गया। अब इस पर जाली लगाऊंगा, जो मैं स्क्रू यूज़ करूंगा, स्क्रू मेरे को जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी के, पाटा स्क्रू, सेल्फ ड्रिल स्क्रू इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो साइज होता है वो 0.5 इंची में मार्केट में अवेलेबल होते हैं और 18 mm में ये अवेलेबल होते हैं। इसका जो डिस्टेंस होता है स्क्रू कितने mm है, मतलब 100 mm, ठीक है, 100 mm। एक चीज़ ध्यान रखना इंजीनियर्स, जो मैं सीलिंग सेक्शन यूज करता हूँ, ठीक है, जो मैं सीलिंग सेक्शन यूज़ करता हूँ, जो ये वाला चैनल है सीलिंग सेक्शन, कितना बताया था मैंने, 10.5, 26 और 10.5, जो ये मैं चैनल यूज़ करता हूँ, इसका जो ओवरलैप करूँगा, ये ओवरलैप कितना, 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। मैं फेरली इसको लिख देता हूँ, कितना, 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, राइट, 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपको ये पीओपी का कंजप्शन पता चल गया, स्क्रू का पता चल गया। अब राइट इंजीनियर्स, मैं आपके साथ में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करूँगा, वो क्या होता है, रेट क्या होता है, लेबर रेट क्या होता है, विद मेटेरियल रेट क्या होता है, ठीक है, लेबर रेट पे मैं अगर पीओपी का काम करा रहा हूँ तो वो क्या है, जैसे वॉल पैनिंग का लेबर रेट क्या होगा, वॉल पैनिंग का 10 to 12 square feet, ठीक है, वॉल पैनिंग। और अगर मेरा ये सीलिंग का काम हो रहा है, सीलिंग का मेरा क्या रेट में लगेगा, तो वो लगेगा 110 से 140 पर स्क्वायर फिट, क्योंकि इसमें ये विद मेटेरियल है, ठीक है, ये विद मेटेरियल रेट है। पहले मैं लेबर रेट का डिस्कस करूँगा, फिर विद मेटेरियल, ठीक है। वॉल पैनिंग हो गया मेरा, ठीक है, ये लेबर रेट है, वॉल पैनिंग कितना हो गया, 10 से 12 रुपये स्क्वायर फिट। और सीलिंग का अगर काम, सीलिंग की बात करें तो सीलिंग का हमारा जो रेट हो जाता है वो हो जाता है 40 to 50 रुपये पर स्क्वायर फिट, राइट इंजीनियर्स। ये हो गया मेरा लेबर रेट, अब मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में विद मेटेरियल रेट, ठीक है, विद मेटेरियल रेट। देखो वॉल पैनिंग अगर मैं विद मेटल यूज़ करता हूँ, ठीक है, मेटल मेरे रहेगा उसमें, तो 35 रुपये पर स्क्वायर फिट होना चाहिए, ठीक है। और सीलिंग की अगर मैं बात करूँ, पूरा मेरे को डिज़ाइन है, कोट वगैरह है, तो उसका मेरा रेट जो रहेगा वो रहेगा 110 टू
110 to 130 स्क्वायर फुट। ठीक है इंजीनियर्स, एक चीज़ और मैं आपको बताते हूँ, अगर मेरे को वाल कनिंग करनी है, अगर मुझे वाल कनिंग करनी है तो मेरा कंजप्शन क्या आता है? ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मैं आपको रेडी करा देता हूँ। वाल पनिंग कैलकुलेशन कर लेना, वाल पनिंग बता देता हूँ। देखो ये मेरा वाल है, ठीक है, इसमें मेरा कितना वो लगेगा, देखो एरिया कितना हो गया मेरा, एरिया 1 square meter, राइट, थिकनेस मेरा कितना हो गया 6 mm, तो मैं इसका निकालूंगा एरिया इंटू में TH के इंटू में डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कितना होता है 1121, और थिकनेस कितना 6 mm, तो 0.006। ठीक है, एरिया कितना है 1 square meter, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 6.21 kg, राइट। उसके बाद में 20% वेस्टेज इसका लेंगे तो कितना आ गया 1.3 kg। टोटल इनको जोड़ेंगे तो 1 square meter में 1 average कितना आ जाएगा, अगर मेरा 6 mm थिकनेस है, 6 mm थिकनेस है तो कितना आ जाएगा 8 kg। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। देखो इंजीनियर्स, अगर मुझे बस आपको समझाना है, देखो मैंने प्लास्टर का अपना कवर कर लिया है, प्लास्टर मेरा POP, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो वाटर प्रूफिंग होगा, फिर उसके बाद में मार्बल फ्लोरिंग, उसके बाद में मैसनरी, ठीक है, और उसके बाद में पेंटिंग, उसके बाद में ग्रेड सेलिंग, उसके बाद में एवरीथिंग्स, मतलब अपना स्ट्रक्चर टू लास्ट हैंडल पोजीशन तक मैं आपको हर एक एक्टिविटी के बारे में जीरो टॉलरेंस से बताऊंगा, जिससे आपको आसानी भी रहेगी, आप साइड पे, आप अपने घर में कहीं पे भी कैलकुलेशन करके मटेरियल का रिक्वायरमेंट दे सकते हो, मटेरियल की कैलकुलेशन कर सकते हो, काम करा सकते हो विद क्वालिटी के साथ में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था POP, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ में मैं इंजीनियर साहब से लेता हूँ विदा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।